नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर खगड़िया से, वर्षा कुमारी से कुछ खास बातचीत। खगड़िया के वार्ड नंबर 39 से वर्षा कुमारी ने चुनावी मैदान में उतरी हैं और उन्होंने बोला कि अगर मैं जीती हूं तो मेरे वार्ड में जितनी भी समस्या है सभी का निदान करूंगी। मैं जनता मालिक से निवेदन करती हूं कि मुझे एक बार जिताकर सेवा का मौका दें। खगड़िया से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वर्षा कुमारी। जोर से बोलिए। वर्षा कुमारी। किस पद से आप पर्चा दाखिल कराए हैं? वार्ड पार्षद। वार्ड नंबर बताइए। 39। जीतने के बाद आपका पहला कार्य क्या होगा? बच्चा पढ़ाई लिखाई, आवास से रोड नाला सब पूरा करने। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम है अभिनंदन कुमार। अभिनंदन कुमार जी, आपकी कौन हुई? मेरा भतीजी हुआ सर। भतीजी हुई जी। अगर आप जीत जाते हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा जनता के लिए? पहला कार्य तो जनता को होगा, जैसे कि स्कूल के बारे में बोलिए दिए, पढ़ाई के बारे में, उसका बाद जो भी आदमी के लक्ष्य मेरा है पहला, जिसका भी वृद्धा पेंशन छूटा हुआ है, टोटल को हम खोज खोज कर टोटल आदमी के दिलवाने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन हुआ, उसका बाद आवास योजना हुआ, जो भी सरकारी लाभ होगा, राशन कार्ड हुआ, शौचालय हुआ, जो भी लक्ष्य है मेरा, हम पहला काम बनने के बाद ये लक्ष्य रहा मेरा, हम ये काम पूरा करेंगे। सर कमीशन हो लीजिएगा? कोई कमीशन नहीं लेंगे। दारू वारू पिलाते हैं कि नहीं सर? हाँ, दारू कहाँ से, गरीब आदमी कहीं दारू पिलाता है सर? दारू तो बिहार में बंद है। बंद तो नहीं है, बिहार में दारू चालू है। ऐसा कहावत कहा गया है कि भूत दिखता नहीं है लगता जरूर है, वो बात सही है, लेकिन बिहार में वही है कि दारू दिखता नहीं है बिकता जरूर है। दारू लेकिन वोट के लिए आप दारू भी पिला रहे हैं? नहीं नहीं सर, गरीब आदमी कहाँ से दारू, जब हमारा खुद कैंडिडेट में सब आदमी चंदा चुटकी करके चुनाव में मैदान में उतारा है, हम दारू कहाँ से पिलाएंगे? दारू पिलाने वाला तो पैसा वाला जो सोच रहा है कि हम हार रहे हैं, वो दारू पिलाएगा, लोग के बहकावा में लाता है, हर तरह की बात करता है। हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे, जनता मालिक है, स्वतः ही 10 तारीख को जवाब दे देगा कि कैसा कौन कैंडिडेट है। मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करते हैं कि जनता मालिक जो हमको सेवा का मौका देती है 5 बरस के, कोई भी जनता का कठिनाई रात में भी अगर फोन करता है, कॉल करता है, कभी हम किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी काम हो, थाना को हो, अस्पताल को हो, जो भी प्रकार का समस्या होगा हम उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास मेरा जारी रहेगा जनता के हित के लिए।